नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं होरी सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? दोस्तों आज बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ एसएससी जीडी का। बहुत आदमी मुझे क्वेश्चन कर रहा है, सर मुझे बिहार पुलिस में मिला है और किसी को एसएससी सीजीएल में भी और किसी को एसआई में मिला है, यूपीएसआई, और मतलब आप लोगों को कोई दूसरा जॉब मिला है एसएससी जीडी से। आप जैसे स्टेट का नौकरी हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा अच्छा है। मतलब आप मेरा हिसाब से मतलब क्या करना चाहिए आप लोगों को, जिसको जॉब मिला है एसएससी जीडी और किसी को स्टेट पुलिस का मिला है, मतलब दोनों तरफ, मतलब उसको दो चॉइस मिला है। अभी स्टेट पुलिस में भी मिले उसको एसआई में, बा कॉन्स्टेबल हो बा आपको कई मतलब आपको मिला है और एसआई रैंक का तो बहुत अच्छा है। और आप लोगों को आज क्लियर बता रहता हूँ, मतलब एसएससी जीडी का जो सेंट्रल का जो जॉब है और आपका स्टेट का बहुत फर्क पड़ जाता है। दोस्तों ये गलती मत करना, आप लोगों को एसआई में मिला है जिसको वो एसआई में आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा हिसाब से, और जिसको स्टेट पुलिस में कोई आपको एसआई हो कॉन्स्टेबल हो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको बाद में। नहीं तो आप इस जॉब में आएगा ना, ये तो ठीक है, ये अच्छा है ये भी जॉब, किंतु क्या है आपको स्टेट पुलिस का ऑप्शन मिल रहा है तो आप स्टेट पुलिस में आप जाइए तो बहुत आपका सही रहेगा। सही में आपका लाइफ बहुत अच्छा में रहेगा, फैमिली भी खुश रहेगा, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको हर मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको क्या है, फैमिली रखने के लिए आपको सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन आप स्टेट पुलिस में है तो आपको ज़िंदगी पूरा आपका फ्री स्टाइल है, आप मतलब फैमिली के साथ हमेशा रख सकता है, माँ बाप के साथ आप रह सकता है, आप नज़दीक कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कुछ हो तुरंत आप घर में मतलब क्या है सॉल्व कर सकता है। और इसमें ये नौकरी में होने से आपको दूर में रहना पड़ेगा, कहीं दो दिन लगेगा कहीं तीन दिन लगेगा, मतलब बहुत ये कष्ट उठाना पड़ेगा। जिसको 200 मिला है मेरा हिसाब से वो स्टेट पुलिस में आप नौकरी कर लीजिए आप। और बहुत आदमी मुझे क्वेश्चन कर रहा था, सर जब जो हमारा जॉब लगेगा तब हमको अभी ज्वाइन करने, मतलब अभी देखिए मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा है, कोई वो मुझे बोल रहा है सर सीजीएल का मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं बीएसएफ में अभी मेरा ज्वाइनिंग इतना तारीख को है, मैं क्या करूँ, कैसा क्या करने से ठीक रहेगा, प्लीज़ बताएं। अभी देखिए कोई भी भाई हो मेरा बहन हो, आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए आपका ज्वाइनिंग आपका मान लीजिए दो जॉब आपका क्या एक जॉब और होने वाला है, आपका हुआ नहीं अभी, तब आप ये गलती मत करना, आप इसमें आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप बाद में ना इसमें आपका बारे में आप सोच लेना, क्योंकि जॉब आपका ज्वाइनिंग आ गया, अभी डेट आ गया, आप मिस नहीं करना, आप ज्वाइन कर लीजिए इसमें, क्योंकि देखिए नौकरी मिलना मुश्किल है, आप इधर से भी आगे तक जा सकता है, कमांडेंट तक जा सकता है ऐसा ऐसे। इसलिए आप लोगों को क्या है, आप लोग बता दूंगा मैं कैसे कैसे आप लोग क्या है प्रमोशन ले सकता है नेक्स्ट वीडियो में, और आप ये गलती मत करना, आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको क्या है, मान लीजिए आपका नौकरी हो गया है दूसरा मतलब स्टेट पुलिस में भी हो गया है ज्वाइन करने के बाद, तब आप आ सकता है, इतना टेंशन घबराने वाला बात नहीं है, आप उसमें रिजाइन देके आप आ सकता है, पैसा कुछ देना पड़ेगा तब भी आपको मिल जाएगा आने के लिए, आप टेंशन नहीं लेना इतना। और आप जो भी भाई को भी क्या है एग्ज़ाम देने के लिए मतलब क्या है पढ़ाई करना है, आप ट्रेनिंग के बाद आप अप्लाई उसमें क्या है आप ट्रेनिंग के बाद आप एडमिशन दीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए आजकल पढ़ाई नहीं होगा ना, 10+2 बा मैट्रिक पास होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इस जॉब में। और कंप्यूटर है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, कंप्यूटर होने से आपको ऑफिस में आपको मिल जाएगा आराम से, आप क्या है निकल सकता है टाइम भी, और आपको क्या है बहुत सुविधा मिलेगा, आप HCM के लिए भी जा सकता है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम भी दे सकता है, आपको ग्रेजुएशन है तो आप एग्ज़ाम भी दे सकता है, एसआई बन सकता है, एसआई से आप कमांडेंट तो ऐसे मतलब क्या सीनियरिटी हिसाब से आप एसआई से आप डायरेक्ट दे सकता है, डीएसपी के लिए डीएसपी से आप डीसी टूआईसी सीओ साहब तक आप यह पहुंच सकता है। देखिए एसएससी जीडी इतना ख़राब नहीं है, अच्छा है, आप लोग जिसको मैं बोल दिया हूँ ना जिसका 200 स्टेट पुलिस और एसएससी जीडी, तो आप स्टेट पुलिस में जाइए, और आप मेरा हिसाब से मैं बोल दिया, और आपका डिसीजन आप खुद ले लेना, माँ बाप को पूछ लेना, क्योंकि नौकरी आपको करना है, हम तो नौकरी तो इसमें कर ही रहा हूँ, और क्योंकि नौकरी जो भी आदमी जिसमें खुश है उसे वही है, क्योंकि सभी का एक लाइफ है और क्या है चॉइस एक रहता है सभी का। तब भी मैं बोलने वाला आपको क्या है काम, मतलब आपको मेरा हिसाब से मैं आपको बोल दिया हूँ, जानकारी आपका नहीं है तो आपको मतलब पता हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।